जिस तरह से वैशाली जिले में अनियंत्रित ट्रक ने 8 लोगों की जान ले ली, इसी को लेकर के अब सवाल खड़े होने लगे हैं। शराबबंदी को लेकर के लगातार सवाल पहले से भी खड़े होते रहे, लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है इसको लेकर के अब सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। इसी को लेकर के आज ग्रामीण विकास मंत्री और लघु जनसंसाधन मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि एकाध कोई घटना घट जाती है तो इसमें किसी कानून को असफल नहीं बताया जाएगा। और भी क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुने। देखिए, अगर कहीं एक कोई घटना घट गई तो उसके लिए अगर किसी कानून को फेल बताया जाता है तो ये बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है। शराबबंदी बिहार में बिल्कुल सफल है। अगर आप कह रहे हैं कि कहीं एक घटना घटी है और कहीं एक घटना घट जाती है उससे शराबबंदी फेल नहीं होगा, और बिहार में जो माहौल बदला है, आप पहले आप लोग भी देखते होंगे कि शराब जब मिलता था उस समय का क्या माहौल था और आज का क्या माहौल है। किसी ने ये तो नहीं कहा है कि आप शराब पियो। जो आदमी शराब पी रहे हैं उसको किसी ने शराब पीने के लिए नहीं कहा। ड्राइवर को यदि शराब नहीं मिलती 40 रुपए में तो ये घटना नहीं होती, 8 लोगों की जान नहीं जाती। ड्राइवर से ये पूछा जाए कि आपको शराबबंदी के बारे में पता था या नहीं। ड्राइवर से आप लोगों को ये पूछना चाहिए था कि बिहार में शराबबंदी लागू है, यहाँ किसी भी स्थिति में लीगल रूप से शराब नहीं मिल रहा है, तो उसको ये बात पता था कि नहीं। उसकी अपनी जिम्मेवारी है, वो पिए ना पिए। शराबबंदी है तो उसको अमल लाना प्रशासन की जिम्मेवारी है या उसकी अपनी जिम्मेवारी? प्रशासन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। हर रोज आप लोग पेपर और मीडिया में हर रोज चला रहे हैं कि कहीं ना कहीं शराब के जो है लोग पकड़े जा रहे हैं, शराब पीने वाले भी पकड़े जा रहे हैं, शराब बेचने वाले भी पकड़े जा रहे हैं। उस पे कार्रवाई हो रही है और अच्छी कार्रवाई हुई है, ऐसा कहीं कोई ये नहीं है कि हाँ। और ये अगर आप चाहते हैं कि गड़बड़ करने वाले लोग खत्म हो जाएंगे तो ये देश दुनिया कहीं संभव नहीं है। आज नहीं रहा है कि अभी मुख्यमंत्री ने बैठक किया था, उसमें उन्होंने कहा कि अब जिले वाले को नहीं, जो सप्लायर है उसको पकड़ा जाएगा, उसका असर क्यों नहीं पड़ा? लोगों का दबाव ये था कि शराब पीने वाले को थोड़ी कम सजा मिले, जो 6 महीने 8 महीने का जेल हो जाता था वो ना मिलके फाइन लगा के छोड़ा जाए और एक बार सुधरने का मौका दिया जाए। आप समझ लीजिए, जो कानून बना है छोड़ने का जो मौका मिला है, सिर्फ एक बार छोड़ने का मौका मिला है, दूसरी बार छोड़ने का मौका नहीं मिला है। फाइन लेके केवल एक बार छोड़ना है, दूसरी बार में जो कानून पहले से बना हुआ है वही कानून लागू होगा। ड्राइवर तो अभी छूट जाएगा, इसका ड्राइवर के ऊपर तो अलग तरह से, ड्राइवर ने क्या किया है तो पूरी घटना का जानकारी हमको नहीं है। ड्राइवर ने शराब अगर पिलाया होगा सब लोगों को तो उसके ऊपर अलग तरह से भी सजा होगी। कई लोग इस पक्ष में भी हैं कि शराबबंदी वापस ले लेनी चाहिए। 8 लोगों को कुचल दिया तो उसके ऊपर तो जो और केस है वो तो होगा ही। जो और केस है शराब पीकर गाड़ी चलाना, जब शराबबंदी नहीं भी था उस समय भी अपराध की श्रेणी में, उसके ऊपर जो कानून मर्डर का लगता है वो कानून लगेगा। शराब पीकर गाड़ी चलाना, आप जहां पर शराबबंदी लागू नहीं है वहां पर भी कानूनन अपराध है। तो आपने साफ तौर पे सुना उनका कहना है कि एकाध लोग अगर शराब पीकर इस तरह की घटना घटते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शराबबंदी लगातार सफल है और कानून जो है लगातार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है। कहीं कहीं लोग जो है 1,000 लोगों में एक लोग अगर पी लेते हैं तो इसको असफल नहीं बताया जा सकता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।